हमने आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, इसी की इंशाल्लाह हमारी अगली सारा इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी बेसिक इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर अपना पीछे पढ़ा था सेल साइकिल वाला, जिसमें हमने देखा था कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, वैसे जो हमारे डीएनए के अंदर क्रोमोसोम में न्यूक्लियर मटेरियल रहता है, इट रिमेन्स एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही माइटोसिस का टाइम करीब आता है, तो दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर क्रोमोसोम, मतलब ये फोल्ड हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और ये क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। सो बेसिकली दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर इन साइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये वही डेफिनेशन हमारी, जैसे कि हमने ऑलरेडी इसकी क्रोमोसोम की पढ़ी हुई है। थोड़ी सी इसकी ये हिस्ट्री है कि कब ये डिस्कवर हुआ, इन 1882 में, कि वेन द एक साइंटिस्ट था फ्लेमिंग, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियो को देख रहा था 1882 में। ठीक है, आफ्टर स्लिमेंडर लार्वी। यस, इसकी ये है तो नहीं, लेकिन टाइमर स्टार्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम से सिलेबस में हो रहा है, लेकिन बेसिक नो हाउ होना जरूरी होता है। तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर क्या है, कब कहाँ फर्स्ट टाइम, जब वेल्डर फ्लेमिंग स्टडी कर रहा था स्लिमेंडर, स्लिमेंडर जैसे हमारे एम्फीबियंस का, उसको उसकी भी लार्वी, स्लिमेंडर उसका एक ऑर्गेनिज्म है, जब उसके लार्वी को ये स्टडी कर रहा था तो उसने क्रोमोसोम्स देखे। ठीक है, अब इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीशी का बड़ा उसका अपना एक स्पेसिफिक होता है, हर स्पीशी के अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं, कि वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन एट द टाइम ऑफ जब उसके गैमेट्स बन रहे होते हैं, एग्स या स्पर्म, तो वो हाफ हो जाता है, एंड देन एट द टाइम ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो दोनों जब फ्यूज होते हैं और जायगोट बनता है, तो देन अगेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो मेंटेन हो जाता है कि जो उसके स्पीशी का अपना नंबर है। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स बताए गए हैं कि कैसे क्या कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि कैसे कुछ स्पीशी के एग्जाम्पल उनके अपने स्पेसिफिक नंबर्स हैं, मतलब हर एक स्पीशी के दूसरी स्पीशी के मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेनिसिलियम है, ये एक फंगस की एग्जाम्पल है, उसमें सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कुछ फर्न्स जो हैं, फर्न में मोर देन 500 पेयर्स हैं, मतलब टोटल नंबर फिर बन जाएगा 1000। ठीक है, मॉस्किटो में 6, हनी बी 32, कॉर्न 20, शुगर केन 80, फ्रॉग 26, मॉस्किटो 40, और ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पर ये पेयर नहीं लिखे इसमें, ठीक है, अगर हम इसकी पेयर की बात करेंगे तो वो 3 पेयर्स बन जाएंगे, यहाँ पर 16 बन जाएंगे, यहाँ 10 बन जाएंगे, तो यहाँ पर इसने क्रोमोसोम्स की बात की है। सो देन ह्यूमन सेल्स हैज 46 क्रोमोसोम, मींस की 23 पेयर्स। तो ईच ऑफ दिस 46 देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपको क्रोमोसोम्स की शेप नजर आ रही है यूं इस तरीके से। ठीक है, ये देख रहे हैं। अच्छा, कुछ में आपको नजर आ रहा है कि ये पूरा इस तरह का है, ठीक है, कुछ में आपको यूं एक्स शेप की तरह का नजर आता है, कुछ में हमें यूं ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक साइड पर है, एक साइड पर कुछ नहीं है, ये आई की तरह है, कुछ ये जे की फॉर्म में नजर आते हैं, मतलब इसकी भी ना आगे पे शेप्स हैं। अब ये देखें, अब ये पूरा ये एक्स फॉर्म में है, ये भी देख रहे हैं भी एक्स फॉर्म में है, किसी में एक साइड छोटी होती है, एक साइड, मतलब ये आगे से हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के क्रोमोसोम। अच्छा, अब ईच ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम कंटेन हंड्रेड्स और द थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स। अब जो जीन्स होते हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, और यही जीन्स आगे डिटर्मन करते हैं कि पर्सन, वो इंसान या वो अगला ऑर्गेनिज्म, उसकी कैसे बॉडी डेवलप करेगी और कैसे फंक्शन करेगी। ठीक है, मतलब ना सिर्फ उसकी बॉडी की शेप, शक्ल, सूरत, स्ट्रक्चर, बल्कि उसके इनर फंक्शंस भी, वो कैसी प्रोटीन बनेगी, कितनी बनेगी, मतलब वो सब की सब इंफॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट जीन्स डिसाइड करते हैं। जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में पड़ी हुई होती है, यूं लाइफ के साथ साथ वो डिकोड होती रहती है और वो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होती रहती है। द पोजेशन ऑफ ऑल दीज क्रोमोसोम्स इज देयरफॉर एसेंशियल। अब इन क्रोमोसोम्स का होना जाहिर है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के लिए जितनी भी प्रोसेसिंग की अंदर प्रोसेसिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन्स के अंदर है। तो मिसिंग ऑफ द पार्ट आर द होल ऑफ द क्रोमोसोम, चाहे एक हिस्सा, थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हो जाए, हट के डैमेज सेपरेट हो जाए, या पूरा एक क्रोमोसोम कम हो जाए, आपने याद है ना, हमने वो क्रोमोसोमल डिस्जंक्शंस पढ़ी थी,
ठीक है, नॉन डिसजंक्शन यानी कि जब क्रोमोसोम्स की प्रॉपर सेपरेशन नहीं होती या वो क्रोमोसोम डैमेज हो जाता है किसी वजह से, तो कितना सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आपने पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम पढ़ा आपने, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा आपने, अगला उसके बाद टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, तो वो इनकी वजह से क्रोमोसोम के एब्सेंट होने। टर्नर सिंड्रोम आपको याद है ना, XO जिसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग था जी। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? जी यस मैम, समझ आ रही है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कितनी टाइप्स के होते हैं क्रोमोसोम। अब आप इस डायग्राम में भी देख लें कि कैसे आपको यहाँ पर, खैर इसमें तो दोनों एक तरह के दिखाए गए हैं, फिर इसमें एक दूसरे एक तरह का दिखाया गया है। अगर सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो इट इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स के जो इसके ये वाले दोनों साइड्स के पार्ट्स हैं क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर ठीक है, ये इसका ये जो जो दरम्यान वाला एरिया है, और ये इसके दोनों सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि नैरोअर पार्ट जो कि उसके थोड़ा सा सेपरेटेड फॉर्म में होते हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा नैरोअर पार्ट है ये इसकी प्राइमरी, मतलब जो इसके सेंट्रोमेयर के करीब पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और जो सेंट्रोमेयर से दूर वाला पार्ट होगा इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो इसके हमने दो पार्ट्स पढ़े, मेड अप ऑफ क्रोमेटिड्स ठीक है, ये इसके क्रोमेटिड्स हैं, मतलब जो इसकी आर्म्स हैं ये इसके क्रोमेटिड्स हैं, ये देख रहे हैं ये इसके दोनों क्रोमेटिड्स हैं, और सेंट्रोमेयर इसके ये दोनों पार्ट्स को हम सेंट्रोमेयर कह रहे हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स में वाइडली डिफर इन द अपीयरेंस। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जैसे ये आई शेप का है ठीक है, ये आपको जे शेप का नजर आ रहा है ठीक है, फिर ये आपको वी शेप का नजर आ रहा है, तो शेप्स की बेस पर भी इसमें डिफरेंस होता है। सो क्रोमोसोम में वेरी डिफर इन द अपियरेंस, दे वेरी इन द साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर किस जगह पर है ठीक है। सेंट्रोमेयर वही पॉइंट होता है कि जिस जगह पर ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड होते हैं ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर ये देखें तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है इस बुक में ठीक है, आप अपनी अगर हार्ड फॉर्म में जो बुक देख रहे हैं तो सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है कि जिसपे दोनों क्रोमेटिड्स अपने मिड वाले पॉइंट से जुड़े हुए हैं ठीक है। आप बुक पे देख रहे हैं अपने आप? जी स्टूडेंट्स, यस मैम, आपके पास अगर आप अपनी बुक खोलेंगे ना तो इस जगह पर मिस्टेक है ठीक है। यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए था क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर होना था इस जगह पर ठीक है, इस जगह पर मिस्टेक। यस मैम, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना ठीक है, तो होना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि ये तो हो गए क्रोमेटिड्स यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी कि जो एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है वो तो क्रोमेटिड्स हो गए ठीक है। तो सेंट्रोमेयर के एरिया जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। अच्छा, अब वो कहता है कि सेंट्रोमेयर की जगह किस जगह पर है ठीक है, कि लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, वो सेंट्रोमेयर उसके दरमियान में है, अब ये सेंट्रोमेयर है जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स अटैच, अब चाहे वो एक साइड पर है, एक देख लें अब ये बिल्कुल दरमियान में है, ये थोड़ा सा एक साइड पर हो गया और ये बिल्कुल एक कॉर्नर एक एक किनारे पर चला गया ठीक। इसकी बेस की वजह से क्रोमोसोम की शक्ल डिफरेंट हो जाती है। और दूसरी बात, द रिलेटिव लेंथ ऑफ द टू आर्म्स, दोनों आर्म्स की लेंथ ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमेयर। अब आप ये देख रहे हैं कि इस साइड पर एक साइड की लेंथ लंबी है, एक है ही नहीं, एक लंबी है, एक बहुत छोटी है, एक लंबी है, एक उसकी निस्बतन कम है, और यहाँ पर दोनों तकरीबन बराबर है, ऐसे ही है ना। तो एंड द पोजिशन ऑफ कंस्ट्रिक्टेड रीजन along the arms और length, मतलब constricted मैंने आपसे कहा ना कि narrower region, length arms के दोनों साइड पर उसका narrow region, तंग region वो कितना लंबा है, तो ये इन तीनों चारों points की बेस पर हम chromosomes को separate कर सकते हैं। अगली definition है karyotype, what is karyotype, karyotype का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स की सारी इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर एरे, मतलब एक एक क्रोमोसोम की जो मखसूस शेप है, उसका साइज है, उसमें सेंट्रोमेयर कहाँ है, उसके क्रोमेटिड्स की लेंथ कितनी है, उसका कंस्ट्रक्टेड पॉइंट की क्या साइज है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है दिस इज ऑल डन या दिस इज ऑल स्टडीड, या उस पूरी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कैरियोटाइप, यानी कि एक इंसान का कैरियोटाइप, एक इंडिविजुअल के इस सेल का, मतलब ये उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप से हमें क्या मिलता है, इट शोज मार्क डिफरेंसेस अमंग द स्पीशीज, अब ये एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी से सेपरेट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन देता है, एंड समटाइम इवन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी, बल्कि इतना के एक ही स्पीशी यानी कि तमाम
ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वगैरह, हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं. वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे क्रोमोसोम्स की हर एक की साइज, शेप, अपीयरेंस, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो सब डिफरेंट है. सो क्रोमोसोम्स रिक्वायर डिफरेंट शेप्स एट द टाइम ऑफ एनाफेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो शेप्स हैं ये किस स्टेज पर जाकर लेते हैं. तो आपने पढ़ा था ना कि जिस स्टेज में ये क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. आपको पता होगा कि जैसे प्रोफेज में वो सारी अपनी तैयारी करते हैं, मेटाफेज में वो आके इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आकर सेंटर में आके अटैच हो जाते हैं. एनाफेज में क्या होता है कि वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स किसमें? सिस्टर क्रोमेटिड्स इसमें माइटोसिस में. और मियोसिस में क्या होता है कि होमोलोगस पेयर के दोनों पेयर सेपरेट हो जाते हैं. तो ये सेल डिवीजन में अपनी एनाफेज के टाइम पर ये अपनी शेप ले लेते हैं, अपनी स्पेसिफिक शेप जो उनकी होती है. और ये यूजुअल शेप्स कौन सी हैं? आई, जे एंड वी. क्लियर है सबके लिए ये पॉइंट, ये टॉपिक क्लियर है? यस मैम. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ, ये तो हो गया शेप, अगला है कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, किस चीज पे कंसिस्ट कर रहा है. सो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. Each of most of the about 40% DNA and 60% protein. अब इसी क्रोमोजोम के अंदर भी DNA, अपने DNA का स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. तो ये DNA के साथ, न्यूक्लियोटाइड के साथ उसमें proteins भी होता है, 60% protein होती है. A specific amount of RNA is also associated with the, इन्हीं क्रोमोजोम के अंदर कुछ RNA भी होता है. ठीक है, because These are the sites of RNA synthesis. और इन्हीं जगहों पर RNA भी synthesize हो रहा होता है. अच्छा, the DNA of the chromosome is one very long double-stranded fiber that extends unbroken through the entire length of chromosome. अब ये जो जितना भी entire length of chromosome, मतलब जितनी भी chromosome की लंबाई है, for example आप इस diagram में देख लें या आप ऊपर वाली diagram में देख लें कि जितनी भी chromosome की लंबाई है, तो ये कहता है कि ये नहीं कि यहां से यहां तक डीएनए होगा, सिर्फ यहां से यहां तक नहीं, कहते हैं एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम की लेंथ में हमारा डीएनए पाया जाता है. ठीक, क्लियर है ये पॉइंट? अनब्रोकन सीरीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं, कहते दिस इज अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम. अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम, अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक, कितने? अ ह्यूमन, अ टिपिकल एक क्रोमोसोम के अंदर आपने देखा वही है, हर हमारे हर एक सेल में 23 पेयर, यानी कि हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं. तो फिर इसमें कितने हर एक क्रोमोसोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो गए? 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड. द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है अगर हम इसको लिखना चाहें, तो ये इसने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो इट वुड फिल अबाउट 280 प्रिंटेड बुक्स ऑफ 100 पेजेस ईच. यानी कि एक क्रोमोसोम में इतनी इंफॉर्मेशन है कि हर एक बुक के अगर 100 बल्कि 1000 पेजेस हों, एक बुक के 1000 पेजेस हों, और कितनी अबाउट 280 प्रिंटेड बुक हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो एक क्रोमोसोम में है, तो 280 बुक्स बन सकती हैं एक क्रोमोसोम में जितनी इंफॉर्मेशन है. और अगर इफ ईच न्यूक्लियोटाइड कोरेस्पोंड टू अ वर्ड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को हम एक अल्फाज कह लें, एक वर्ड कह लें, एंड ईच पेज हैज अबाउट 500 वर्ड्स ऑन इट, तो एक पेज के ऊपर 500 वर्ड्स होंगे. Furthermore, if the strand of the DNA from a single chromosome were laid out in a straight line, अब दूसरी हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं. अगर हम DNA के strand को एक single chromosome की, वैसे तो हमने कहते हैं ना double stranded है, तो अगर हम इसको एक single chromosome को यूं सीधा कर दें, तो it would be about 5 centimeter long. आपको सोच लें कि जो सेल हमें नजर नहीं आता, ठीक, इतना हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उस सेल के अंदर DNA है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, उसमें से भी एक क्रोमोसोम आपने पकड़ा, तो उसकी भी अपनी लंबाई 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो फिटिंग सच अ स्ट्रैंड इनटू स्मॉल पीस ऑफ द न्यूक्लियस इज नेचुरल मार्वल, तो ये मुजजा है, एक कुदरत का मुजजा है कि ये कैसे हो गया. एंड दैट्स ओनली वन ऑफ द 46, और ये हर एक सेल के 46 क्रोमोसोम में से एक की आप बात कर रहे हैं. हाउएवर DNA इज कॉइल्ड अलाउइंग इट टू फिट इनटू much a smaller space that would otherwise be possible.
कहते हैं कि अब ये इतने आपस में सख्ती से टाइटली क्वाइल हुआ हुआ होता है कि जिसकी वजह से ये इतना लंबा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक क्रोमोसोम इतना टाइटली पैक होता है जिसकी वजह से ये इतने से छोटे न्यूक्लियस के अंदर ये फिट हुआ हुआ होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है कि कैसे डीएनए इतना टाइटली कैसे पैक है, ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना जी। आपको मेरी बात आवाज समझ आ रही है सबको, नहीं आ रही? आ रही है मैम। आ रही है, अच्छा। अब होता ये क्या है कि क्यों आप, अच्छा अच्छा पहले अगर हम अपनी ये डायग्राम देखें देखें बेसिकली तो हमारा क्रोमोसोम इस शेप में है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ, ये क्रोमोसोम इस शेप में, थोड़ा सा इस एरिया को काट के आप इसको मैग्निफाई करके देखें तो ये यूं कॉइल हुआ हुआ। इसी का एक छोटा सा पार्ट और ओपन करके खोल के देखें तो ये देख रहे हैं आपने इसको यूं, फिर ये अगेन ऐसे कॉइल हुआ हुआ है। फिर ये एक पार्ट को आप इसके खोल के देखें तो यूं इस तरीके से ये डीएनए और ये सेंट्रल हिस्टोन प्रोटीन, आपने जो पढ़ा ना 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन, तो ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका अंदर का, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। डीएनए और जो प्रोटीन का नाम है दैट इज हिस्टोन, और इसी डीएनए को जब आप ओपन करके मजीद खोल के देखते हैं तो ये इस तरीके से आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक। अब ये इस प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज है, इसने डीएनए को कैसे अपने ऊपर फिट, ऐसे देख रहे हैं कैसे टाइटली पैक किया हुआ है, अब ये सारी स्टोरी है कि जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि क्या न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, अब कहते हैं कि इफ वी जेंटली डिस्टर्ब अ यूकेरियोटिक न्यूक्लियस एंड एग्जामिन द डीएनए विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी फाइंड दैट इट रिजेंबल्स अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, यानी कि मोतियों की लड़ी है, वो टाइटली पैक्ड है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डीएनए। एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नोन एज न्यूक्लियोसोम। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि 200 न्यूक्लियोटाइड, एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो डीएनए डुप्लेक्स जो है ये, जो मतलब जो डीएनए हो तो आपको यही पता है ना न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, तो ये 200 नंबर में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन्होंने अपने अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को अपने अंदर कवर किया हुआ है और ये कम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। आप यहाँ पर ये देख लें, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, मतलब यहाँ पर ये जो गुलाई में ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, इसको हमने कहा न्यूक्लियोसोम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अनलाइक मोस्ट प्रोटीन, देखिए ना प्रोटीन भी अमूमन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर आप कहें कि हिस्टोन के ऊपर नहीं, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इसलिए कि चूंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव होगा, तो अपोजिट चार्जेस आपस में इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो डेंसली पैक रहेंगे। सो हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, क्यों, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन बेसिक अमाइनो एसिड, कौन से, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये भी मल्टीपल चॉइस के वाले से इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो अमाइनो एसिड होते हैं इस प्रोटीन में, आर्जिनिन एंड लाइसिन, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दस दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ द डीएनए। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख लें तो आपको फॉस्फेट ग्रुप नजर आता है, तो फॉस्फेट मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। इसी चैप्टर में हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर भी हमने देखना है, ठीक है। आप ये देख लें, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए के ये एडनीन ग्वानिन, देखिए ये बेस जो है ना, ये एडनीन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, तो यहाँ पर ये फॉस्फेट के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप चले यहाँ पर भी ये देख लें, इसी देख लें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। तो यहाँ पर ये जगह जगह पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो इस फॉस्फेट की वजह से ये देख लें, ये पी 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 पी, ये दिस इज आर रिप्रेजेंटिंग फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव होगा तो ही वो उसको अट्रैक्ट करके, उसको टाइटली पैक करके उसको पॉसिबल उसके लिए रहेगा। अच्छा, अब यहां तक क्लियर है सबके लिए? जी मैम। ओके, द हिस्टोन कोर दस एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक फॉर्म दैट प्रमोट एंड गाइड द कॉइलिंग ऑफ द डीएनए, तो कॉइलिंग ऑफ द डीएनए इसकी हेल्प से पॉसिबल होता है। फर्दर कॉइलिंग अकर्स, अब फर्दर और कॉइलिंग जब हो जाती है, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम रैप्स अप इनटू द
हायर ऑर्डर क्वाइल्स कॉल्ड सुपर क्वाइल। देख लें आप, जब ये वाले क्वाइल अगेन फर्दर क्वाइल हो जाता है, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यहां तक तो आपने देख लिया, लेकिन ये तो मजीद क्वाइल हुआ पड़ा है, ये देख लें इस तरीके से क्वाइल, ये वाले फिर ऊपर से अगेन क्वाइल, तो ये इतने ज्यादा ऊपर क्वाइलिंग की वजह से इसको फिर हमने नाम दिया सुपर क्वाइल। ये भी एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन या डिफाइन सुपर क्वाइल। तो आपने इसके लिए लिखना होगा कि क्वाइलिंग व्हेन स्ट्रिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ठीक है, आप ये देखें ना कि न्यूक्लियोसोम के स्ट्रिंग जब रैप अप हो जाएंगे, जब न्यूक्लियोसोम के स्ट्रिंग्स रैप अप हो जाएंगे, रैप का मतलब लपेट लिया जाना, तो उसको हम कहते हैं सुपर क्वाइल। आगे दो टर्म्स हैं, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईली कंडेंस पोर्शन ऑफ द क्रोमैटिन, जो बड़ा कंडेंस है, जो नजर नहीं आ रहा, बड़ा आपस में उलझा हुआ, दिस इज हेटेरोक्रोमैटिन। सम ऑफ दिस पोर्शन रिमेन्स परमानेंटली कंडेंस, मतलब वो कभी नहीं खुलते, वो हमेशा कंडेंस ही रहेंगे, सो दैट देयर डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस, यानी कि उसका डीएनए कभी शो नहीं होता, जाहिर नहीं होता, उसका हमें पता नहीं होता, सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन। तो बाकी जो खुल जाता है, जो शो हो जाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, तो रिमेंडर ऑफ द क्रोमोसोम्स कॉल्ड यूक्रोमैटिन इज कंडेंस्ड ओनली, वो सिर्फ कब कंडेंस होगा, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब मैंने आपसे कहा ना कि जब न्यूक्लियर मटेरियल वो डेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है, तो यूक्रोमैटिन वैसे तो खुला रहता है, लेकिन जैसे ही माइटोसिस का टाइम या मियोसिस का टाइम करीब आता है, तो वो तब जाकर डेंस हो जाता है। तो जो वाला एरिया एक्सप्रेस हो जाता है, वो एरिया उसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। एट ऑल द टाइम यूक्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन ओपन कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स जीन्स कैन बी एक्सप्रेस, मतलब जीन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है। द वे क्रोमैटिन इज पैकेज्ड व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, वो कहते हैं कि जिस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता और क्रोमैटिन पैक्ड रहता है, इज नॉट वेल अंडरस्टूड बियॉन्ड द लेवल ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड इज अ टॉपिक ऑफ पढ़ा। ये लास्ट लाइन आप बेशक छोड़ दें, ये हेटेरोक्रोमैटिन में और यूक्रोमैटिन में डिफरेंस अक्सर एग्जाम में आ जाता है या फिर इनकी डेफिनेशन आ जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो हाईली कंडेंस्ड पोर्शन है और इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड, इट इज परमानेंटली कंडेंस्ड, ये हमेशा पक्का परमानेंटली कंडेंस ही रहता है। इसका डीएनए एक्सप्रेस, देखिए ना, डीएनए एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो अपना अंदर जो भी मैसेज है वो इनकोड करें, पता चले ये इनके अंदर क्या मैसेज था, ठीक है, वो प्रोटीन्स बनाएं, उनके जो भी फंक्शन है, तो वो उसको आप कहते हैं कि वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो जो एरिया एक्सप्रेस नहीं हो रहा, जैसे हेटेरोक्रोमैटिन, तो जो रिमेनिंग जो एरिया, देखें वैसे तो वो ओपन कॉन्फिगरेशन में रहता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कंडेंस होगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, इट ओनली कंडेंस ओनली सेल डिवीजन के टाइम पर, माइटोसिस के टाइम पर, बाकी टाइम पर वो ओपन कॉन्फिगरेशन में रहता है जी। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, आपको समझ आ गया सबको? जी मैम। ओके, कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल हमने नहीं पढ़ना, हम अगला पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे जरूर कि कैसे क्रॉसिंग ऑफ द जीन्स होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।